नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवाहिता बयान पर किशनगंज के राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गयी। खबर सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले से है, जहां हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दो दिवसीय किशनगंज दौरे पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सहरसावादी समुदाय के लोग आदिवासियों की जमीन पर अवैध तरीके से कर रहे हैं कब्जा। इस विवाहिता बयान पर किशनगंज की राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बताते चले कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवाहिता बयान पर की निंदा। वही समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम सहित अन्य ने कहा कि जो सीमांचल के गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सीमांचल की जनता ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। आने वाला वक्त 2024 और 25 के चुनाव में जनता जवाब देने का काम करेगी। शायद उतना पढ़े लिखे नहीं है और उसके अंदर गंभीर विवेक नहीं है। अगर गंभीर विवेक रहता तो आज जो हम आदिवासियों से और शेरशाहवादियों से जो गंभीरता रूप से जो भाईचारगी बना हुआ है और आपसी सौहार्द बना हुआ है, गंगा जमुनी तहजीब बना हुआ है, इस चीज़ को तोड़ने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी इस तरह का दल्लाबात बता दिए हैं। और इससे उसको लगता होगा कि शायद हम उन लोगों का आपसी विवाद को बढ़ावा देते हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और आदिवासियों के साथ शेरशाहवादियों का कभी भी किसी प्रकार का भी ना तानामनी हो सकता है और ना किसी तरह का खराबी हो सकता है। मगर जीतन राम मांझी को समझ लेना चाहिए कि ना ऐसी बात हम बेतुका बात हम शेरशाहवादियों के लिए बोलें और ना फिर इस तरह का बयान दे। उसको उसके तह तक पहुंचना चाहिए और उसको ये भी जानना चाहिए कि अक्सर जितना भी शेरशाहवादी इधर आए हुए हैं वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उसके बाद मालदा, कलियाचक और फिर मनिहारी, जिस तरह जैसा कि हम अपना वंशज का बात बोल रहे हैं, हमारे दादा परदादा सब मनिहारी के हैं और परदादा का परदादा भी मनिहारी के हैं। तो जीतन राम मांझी जी को ये सब पहले सबूत अपना इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह का घोषित करना चाहिए कि इस तरह से बाहर से आकर के, बांग्लादेश से आकर के, कहां से आकर के इस तरह से हमारे सीमांचल का या फिर किशनगंज जिले का आदिवासियों का शोषण किया है या जमीन हड़पा है या जमीन माफियागिरी किया है, उसको ये समझना चाहिए। उसको ये भी समझना चाहिए कि आज शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड रोड से लेकर के और जो ये जो दिखाई दे रहा है जो जितना भी हाईवे आज शेरशाह सूरी का ये देन है और शेरशाह सूरी का वंशज ये शेरशाहवादी समाज है, उसको समझना चाहिए कि उसका इतिहास को एक बार पढ़कर देख लें, खोल कर देख लें। शायद जीतन राम मांझी जी इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा जिस कारण से इस तरह का मूर्खता बयान दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर संज्ञान लें और हमारे जिला पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेकर इस पर जो भी उचित कार्रवाई होता है करें। और हम लोग सबके सब शेरशाहवादी का जो हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें अब्दुल रहमान साहेब हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद सूबाई कमेटी में हमारे मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब हैं, उसके बाद हमारे अब्दुल रशीद मजहरी साहब, यानी कि जितने भी हमारे उच्च स्तर के सूबाई कमेटी हैं, सभी मिलकर के हम लोग जीतन राम मांझी जी पर और उनसे उनसे मिले हुए जितने भी इस तरह का दलाल है, जिन लोगों ने उनको बुलवाया इस तरह का शब्द, सभी पर FIR दर्ज करवाने वाले हैं और FIR दर्ज करवाएंगे। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन को तैयार होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।